Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस, आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स है WWE WrestleMania 37 के रिगार्डिंग। सो ये वीडियो को आखिर तक देखिए वो अपडेट्स जानने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानने के लिए। सो गाइस, पहली अपडेट है कि हमको ये साल के WrestleMania के 37 के इवेंट में बेकी लिंच, जॉन सीना, रोंडा राउजी और ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े बड़े स्टार्स नहीं दिखने वाले हैं। और गाइस, ये अपडेट हमको दिए है PW Insider, जो एक टॉप सोर्स है WWE का। फिर सेकेंड अपडेट है कि WWE का जो टिकट सेल था WrestleMania 37 के इवेंट के लिए गाइस, वो अभी के लिए फिलहाल पोस्टपोन हो गया है, और ये न्यूज़ ऑफिशियली WWE ने अनाउंस की है। फिर गाइस, थर्ड अपडेट है कि WWE ने दो बड़े मैचेस ऑफिशियल किए हैं WrestleMania 37 के लिए। गाइस, पहला मैच जो ऑफिशियल किया है वो है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बिटवीन चैंपियंस न्यू डे रिप्रेजेंटिंग कॉफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स वर्सेस द फेनोमिनल वन AJ स्टाइल्स एंड ओमोस फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। फिर का सेकेंड मैच जो WWE ने ऑफिशियल किया है, जो मोस्ट प्रॉबली WrestleMania 37 का नाइट वन का मेन इवेंट हो सकता है, वो है WWE चैंपियनशिप के लिए बिटवीन WWE चैंपियन बॉबी लैशली वर्सेस चैलेंजर ड्रू मैकइंटायर फॉर द WWE चैंपियनशिप। और गाइस, अगर जरा आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे।